アホがどかねるさ。もっと肩をすれかしこ。すれかしこ。やめないで。朝かせよさ。やめるさ、キャン。अनु के सामने मेरी ये परेशानी दिखनी नहीं चाहिए। Thanks for the lift. को डिस्टर्ब कर दिया, आओ बैठिए ना। चैतन्य, जानती हूं कि आप बहुत परेशान हैं। इंद्रजीत घर नहीं आए, मां गई थी उन्हें लेने पर उन्होंने आने से मना कर दिया। पद्मिनी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, उसने खाना भी नहीं खाया। माँ उसके लिए खुद खाना लेकर गई थी पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्या बात है चैतन्य? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? अनु, वो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब
सुनी जी जी, आज वो ये वीर अपने साथ एक एक बेसहारा लड़की को घर लिया है। कहता है उसे उसे मदद की जरूरत है। वो कोई बात नहीं माया, बस यूं सोच लो कि घर में कोई मेहमान आया है। उस लड़की को मदद की जरूरत है ना, तभी तो वीर लेकर उसे घर में आए। लो, बाप बेटे के मन में कितना दया भाव है। माया, अब तो तू फिलहाल उस लड़की को इस घर से निकाल नहीं पाएगी। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं माया, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। माया, तुम घर के हालात अच्छी तरह से जानती हो, तुम उन सारी बातों से वाकिफ हो। जी माया, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लाख हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि घर के खर्चों में कटौती की जाए, हो सके तो कुछ नौकरों को छुट्टी दे दो। जानता हूँ माया, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और दे रही हो, और आगे भी दोगी, है ना माया? ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, पूछने की बात तो नहीं है, लेकिन दिल को तसल्लियां देने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूं। प्लीज माया, घर के खर्चों में कटौती करो। फोन, सेल फोन, कार, पेट्रोल, बिजली का खर्चा, ये सारे ऐशो आराम से अपने दिल को मारना ही पड़ेगा माया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलजुल कर सामना करेंगे तो ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे भगवान, हालात इतने बुरे हो जाएंगे कभी सोचा नहीं था। अब इस कंगाली से निजात पाने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो है वीर की शादी। अब मुझे इस बात को जरा जल्दी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मासा के ड्राइवर से पता चला कि इंद्रजीत हमारे दूसरे बंगलों में है। हम चले? हाँ, तुम जाओ। वैसे अकेलापन सताए तो हम रुकने के लिए तैयार हैं। मासा ना सही, हम इंद्रजीत को जरूर लेकर जाएंगे। तुम जाओ। रोक कर तो देखिए प्लीज, हम रुकने के लिए तैयार हैं। जब मैंने तुम्हें कहा जाने के लिए तो जाओ ना, क्या रट लगाई हो तुम? हम रुक जाएं, हम रुक जाएं, हम रुक जाएं, जाओ। ठीक, साहब किधर है? अंदर रूम में। ठीक है। मैंने तुम्हें कहा ना जाओ यहां से, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो तुम? जाओ यहां से।
मैंने कहा जाओ यहाँ से। आप किसे वापस जाने के लिए कह रहे हैं? अरे तुम यहाँ कैसे? वो तो ठीक है, लेकिन आप किसे वापस जाने के लिए कह रहे थे? ओ अरे अरे वो भाई बार बार मुझे परेशान कर रही है कि ये साफ कर दूँ वो साफ कर दूँ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ओ एनीवेज तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? हमें किसी ने भी नहीं बताया, मासा के ड्राइवर से हमने पूछा। अच्छा सुनिए ना, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। प्लीज इंद्रजी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो हम बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा। देखिए आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आपका अपमान यानी कि हमारा अपमान। कुछ बातें लड़ाई और झगड़े से सिर्फ बिगड़ जाती है और कुछ नहीं, और आपकी नाराजगी से तो सिर्फ हमारा ही नुकसान है। पता है इंद्रजी, हमें इस बात का डर है कि कहीं आपकी नाराजगी मासा को और चैतन्य के करीब ना ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि मासा चैतन्य के मुंह से दूर रहे, तो उसके लिए आपको मासा को अपने मोह और ममता में बांधना होगा। हरगिज नहीं करूंगा मैं ऐसा। मॉम अपने जिद पर अड़ी हुई है, रहने दो उनको अपनी जिद पर। प्लीज इंद्रजीत, आप मासा से कोई जिद नहीं करेंगे। अरे आप कुछ भी कहिए, आप उनके बेटे, सगे बेटे, उनका खुद का खून है। देखिए कभी तो ममता कमजोर पड़ेगी ना। प्लीज आपको हमारी कसम, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, आप हमारी बात मानेंगे ना? प्लीज देखिए, उस घर से हमारा सब कुछ छीन लिया गया है और हम चाहते हैं हम उसी घर में रहकर अपना सब कुछ हासिल करें। उसके लिए आपको घर चलना होगा ना। प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए। ठीक है चलो। अरे वीर आओ ना। वैसे मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और ये सब क्या है? वो एक्चुअली अनुपमा दीदी की शादी के बाद की कल पहली एकादशी है और पापा को शगुन का सारा सामान कल लेके जाना है। अब मैं बाजार से सारा सामान ले तो आया हूँ, आप जरा ये देखकर बताइए ना कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। मुझे इन सब चीज़ों की समझ तो है नहीं। एनीवेज ये सब चीज़ें पैक कराने में मेरी मदद कराइए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहली बार मुझे आपकी अनुपमा दीदी के लिए कुछ करने का मौका मिला है, छोड़ूंगी तो नहीं। ये हो गई आपकी पैकिंग। दुनिया की हर बहन को आप जैसा भाई मिले। ना 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 ना, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के हर भाई को अनुपमा दीदी जैसी बहन मिले। काश मैं भी अनुपमा दीदी से मिल सकती। अरे हाँ क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। एनीवेज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, जब कभी मुझे शगुन की तैयारी करनी होगी तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। हाजिर जवाब हो। आई लाइक इट। ये तो तूने बड़ी बुरी खबर सुनाई है। भाई मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट होती जा रही है कि अब हमें घर के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे अपने इन हाथों से। अरे माँ नौकर तो नौकर, मुझे तो लगता है कि हमें सारे ऐशो आराम से हाथ धोना पड़ेगा। ओए पुत्र, ओए पुत्र, क्यों मेरे हार्ट फेल करने वाली बातें कर रही है? माया पुत्र, ओए ओए बड़ा फंटास्टिक सा आइडिया आया है मेरे दिमाग में। क्या? सुन ऐसा कर, तू ना एक तरफ वीर को पटाने की कोशिश कर और दूसरी तरफ दामाद जी को मनाने की कोशिश कर, और बस वो खन्ने की लड़की इकलौती बेटी उसके साथ वीर की शादी की शनाइयां बजाने की तैयारियां शुरू कर दे। बस फिर क्या है, हमारी पांचों उंगलियां की में और सिर कड़ाई में। राम राम। हाँ माँ,
मगर तुम तो जानती हो ना, बाप बेटे पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। और माँ मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, बस ये वीर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अब ये क्या कहने वाला है? आप में से शायद ये किसी को याद नहीं होगा कि कल श्रावण पूर्णिमा है और यहां से अनुपमा दीदी के घर सुहाग का जोड़ा और श्रृंगार का सामान जाना है। मुझे पता था कि आप में से किसी को याद नहीं होगा। खैर, सारा सामान मैं ले आया हूं और पैक भी कर दिया। और आप ये तो जानते ही होंगे कि ये सारा शगुन का सामान शादी के बाद पहली श्रावण पूर्णिमा पर बाप उसके घर खुद लेके जाता है और अपनी बेटी की झोली दुआओं और आशीर्वाद से भर के आता है। पापा, कल आपको भी अनुपमा दीदी के घर जाना होगा ये रस्म निभाने के लिए। तुम्हें दिन याद है, रस्म याद है, शगुन का सारा सामान भी ले आए हो ना, तो फिर खुद जाकर दे आओ ना। दे आता पापा, जरूर दे के आता, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि ये रस्म सिर्फ बेटी का बाप ही निभाता है। और जब पिता अपने हाथों से बेटी को ये सुहाग का जोड़ा देता है तभी बेटी उसे पहनती है। माया, इसे कहो कि खुद जाकर दे आए। वीर बेटा, बेटा तुम्हारे पापा पहले से इतने परेशान हैं, उन्हें और परेशान तो मत करो। हो पापा, आप अपनी बेटी के सुहाग की खातिर भी नहीं जाएंगे? वाह, कैसे बाप हैं आप! आज आपकी तारीफ में बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है मेरा। शर्म नहीं आती तुझे? उस सौतेली मनहूस बहन के लिए तू अपने बाप से जबान लड़ा रहा है? नहीं माँ, नहीं। आज आप तो क्या, कोई भी मुझे चुप नहीं करा सकता। आप इस दुनिया के अकेले ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटी को मनहूस मानते हैं। बाप तो बेटी के पैदा होते ही ये सोचकर आंखें भर लेता है कि एक दिन उसकी बेटी उससे जुदा हो जाएगी, पर आपने तो अनु दीदी के पैदा होते ही उन्हें अपने दिल से जुदा कर दिया। और इस जुदाई में आपकी आंखें भी नम नहीं हुई। बाप तो बच्चों का चेहरा देखकर जीते हैं, और आपने तो कभी अनु दीदी की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। भगवान ने किरण मां को आपसे छीन लिया और उसकी सजा आप अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। डोली में विदा होती बेटी को बद्दुआएं देकर विदा किया, और आज उसके सुहाग की पूजा से भी मुंह फेर रहे हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है डैड, आपकी बेटी जिए या मरे, रोए या मुस्कुराए, दुखी हो या सुखी। किरण मां से बहुत प्यार करने का दम भरते हैं ना, जब आप उनकी आखिरी निशानी को प्यार नहीं कर पाए तो उनसे क्या प्यार करते होंगे। सब झूठ था, झूठ, एकदम झूठ। सच तो यह है पापा कि आप जैसा स्वार्थी इंसान कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। आप जैसा इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करना जानता है। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर, पत्थर है, पत्थर, पत्थर। एक ऐसा पत्थर जो कभी नहीं पिघलता।
For more updates, log on to saharaone.in. Like us on facebook.com/saharaone TV. Follow us on twitter.com/saharaone media. For more updates, log on to saharaone.in. Like us on facebook.com/saharaone TV. Follow us on twitter.com/saharaone media.